बड़ी बड़ी कहानियां दे रहे गर्दिश हैं, जेल में बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम का इस्तेमाल और सियासी मुलाकातें हो रही हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को भेजा जा रहा है कि जाइए जाकर फौज से बात कीजिए, उसके साथ साथ कुछ और मामला भी हो रहे हैं, अल्ताफ सैन से रबते हो रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी रोकने की हिम्मत अब किया, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इतला दिए कि होकर रहेगा। इन्हीं हवालों से आज बात करना मकसूद है। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। आपसे यही दरखास्त है कि सबसे पहले नया दौर न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए नाज़रीन, ताकि आपको लेटेस्ट इनसाइट और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, अब ब्लॉग के असली हिस्से की जानी बातें जिसमें मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम करते हैं। एक तो पहली बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। उदय का संभालने के बाद वो इंतजार में थे कि गैर मुल्की दौरे की दावत उनको आ जाए, और उनकी भी यही कोशिश थी कि सबसे पहले वो इजाज़त का दस्तबारा करें। दौरे की दावत भी बिलाखिर आ गई और अब वो जा रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल को बाजाबता दौरा होगा, लेकिन उससे पहले उम्रे की अदायगी मकसूद है। दौरे में उनके हमरा इशार डाल भी होंगे, माशी टीम भी होगी, यानी औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है और वो भी उनके साथ होंगे। रेकोडिक पर सऊदी अरेबिया कुछ करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, उसकी कुछ तफसीलात तो तय हो चुकी हैं। मजीद बात सऊदी क़यादत से होगी, यानी जो है शाह सलमान उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, मोहम्मद बिन सलमान से भी होगी और दीगर सऊदी क़यादत से भी होगी। वज़ीर आज़म अपने दौरे में मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की भी दावत देंगे, ताकि वो जो एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट रुका हुआ है वो उस पर काम शुरू हो जाए। आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे इमरान खान के दौर में, और वो रिफाइनरी उन्होंने लगाने का वादा किया था। गवादर में कुछ साइट की तलाश कर ली गई थी और $1 अरब की रिफाइनरी लगाना मकसूद है। सऊदी रिफाइनरी होगी लेकिन जॉब पाकिस्तानियों को मिलेंगी, और उसके बाद फिर वो भारत भी गए थे, भारत जाकर उन्होंने वहां भी रिफाइनरी लगाने का वादा किया था, लेकिन पाकिस्तान में फिर उनके ताल्लुक खराब हो गए थे। और सऊदी अरब भी कमाल लोग हैं, जाती ताल्लुक अगर खराब हो जाए तो फिर वो मुल्की ताल्लुक पर भी असर डालता है, और यही हुआ कि उस वक्त उनका जाती ताल्लुक खराब हुआ तो उसके बाद पूरे मुल्क में जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो रुक गई। हालांकि कई बार मैंने सऊदी हुकाम से पूछा, सऊदी एम्बेसडर से पूछा, उनका ये कहना होता था कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारा काम जो ग्राउंड का काम करने का होता है वो हो चुका है, पेपर वर्क उसका हो गया है, फाइनेंशियल क्लोजर इसलिए नहीं हो सका कि उस पर अमली शक्ल में वादे पर काम अभी सामने नहीं आया, लेकिन वो भी हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की, उसके बाद फाइनेंशियल क्लोजर भी हो जाएगा, फिर वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपॉइंट करना होते हैं वो भी सब मामला हो जाएगा, लेकिन ये सब इस दौरे के बाद होगा। दरअसल इसके पीछे एक और खबर है, खबर ये है नाज़रीन के जो पाकिस्तान के आलमी दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मौजूदा जम्मू से निकले। इस वक्त एक सियासी जो इंतशार और सियासी फसाद की कैफियत दिखाई देती है, आप हमारे बैरून मुल्क दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस कैफियत से निकले, जम्मू से निकले और मूव फॉरवर्ड करे, और वो मूव फॉरवर्ड अगर इकॉनमी की तरफ करता है तो इकॉनमी बेहतर होगी, तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो आ सकती है, यही एक बुनियादी मुद्दा है। चीन ने भी आपको याद होगा, चीन ने जिस तरह से इलेक्शन के नतज आते ही फौरी तौर पर नतज को कबूल किया था, सऊदी अरेबिया ने भी कबूल किया, उसके अलावा अमरीका ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ग्रीन इनिशिएटिव के जरिए और फिर पाकिस्तान की मीशत दो तरफा बुनियादों पर वो पाकिस्तान के साथ मीशत की बेहतरी के लिए काम जारी रखेगा, और उन्होंने इस अजम का भी इजहार किया कि पाकिस्तान की मीशत को मुश्किल से निकालने में मदद करेगा। रशिया के साथ भी ताल्लुकात आगे बढ़ने की का इम्कान है, उम्मीद है, लेकिन पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला जो है उसके ऊपर कुछ काम जारी है, बिहाइंड द सीन वो काम जारी है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका के साथ इन मुज़ाकरात में जहां मईशत की बात होगी उसी तराजुम में एनर्जी क्राइसिस की बात भी होगी और ये मामला भी हल हो जाएगा, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कैसे मूव फॉरवर्ड करता है नाज़रीन। लेकिन दूसरी जानब अगर हम अज़मून मुल्क की सूरत-ए-हाल पर आए तो इमरान खान कैद में है, उनके ऊपर अगर इल्जाम गलत भी हो सकते हैं, दुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में मुझे 35 साल हो गए सियासत करते हुए, मैंने बेनज़ीर भुट्टो को कैद में देखा, उसके अलावा नुसरत भुट्टो साहिबा को भी कैद में देखा, अपने होश में देखा, उस वक्त में सियासी नहीं था लेकिन मेरे बड़े भाई सियासी थे,
तो घर में वो सारी खबरें डिस्कस हुआ करती थी। उसके बाद 1988 के आगाज में अवैध 1988 में मैं खुद भी जर्नलिस्ट बन गया। उसके बाद मैंने बेनजीर भुट्टो से भी मेरा रब्ता रहा, बहुत सारी कहानियां सुनी उनसे, उनकी अपनी जबानी सुनी। ऐसा कभी नहीं हुआ आके मुलाकातों के लिए आ रहे हैं, जेल का कॉन्फ्रेंस रूम इस्तेमाल हो रहा है। आसिफ जरदारी भी सिया ज्यादा जेल में रहे, उनकी भी मुलाकातें होती थी लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम सियासी मुलाकातों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। इतना यह है कि जो जिनको कैदी नंबर 804 समझा जाता है, इमरान खान, और उनका एक्चुअल नंबर 495 है, वो अब सियासी मुलाकातें कर रहे हैं जेल में बैठ कर। और कुछ दोस्तों का ये कहना है कि इस मामले की तहकीकात भी हो रही है कि उनको ये इजाजत कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की कैसे मिली, कौन इस पर मुलवस है। तहम उनका जो उनके करीबी राय है वो ये कहते हैं कि इमरान खान एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट अलायंस भी बना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना मकसूद है। पिछले दिनों की अगर हम बयान देखें, उषा बीबी को दर्द देने की कहानी, उषा बीबी की जानिब से इमरान खान को मार के तो की जान को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम, और फिर उस पर चुनाव इनाम लेना, ये सारा उसी जानिब का एक कड़ी है। फिर इमरान खान बार बार वो खड़े हो जाते हैं और वो कैमरे की जानिब इशारा करके कहते हैं कि साहब मैं ये देख रहे हैं, कर्नल साहब ये देख रहे हैं। इस सारा काम एक खास जानिब है ताकि एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाया जाए। एक हमारे दोस्त हैं, तजियाकार हैं, नाम लेना उनका मुनासिब नहीं है क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली नाम लेने की। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह कमजोर करना जैसे इमरान खान कर रहे हैं, वो तो फौज को कमजोर करने के मतलब फौज को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करना होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब इसी तनाजुर में एक बड़ी खबर नाजिल ली आ गई है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने अल्ताफ हुसैन से रब्ता किया और एक से ज्यादा बार उनके टेलीफोनिक रब्ते हुए हैं। उन्होंने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अलायंस बन रहा है जिसमें महमूदा चकलई भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी आ रहे हैं उसमें, और हाफिज नईमुर रहमान के भी आने का इम्कान है, जमात इस्लामी के आने का इम्कान है, हाफिज नईमुर रहमान के मुंतखब हो जाने के बाद, अभी मुंतखब हो जाने के बाद, और फिर कुछ और सियासी राजा नासिर बाद और कुछ और सियासी कुछ जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो आ रहे हैं। तो उसका मकसद भी ये वाजे है। अल्ताफ हुसैन ने मेरी राय यह है कि अल्ताफ हुसैन ने जो अलीमा खान का साहिबा की कॉल थी उसका वस्पर जवाब दिया, वो कहते हैं कि मैं तो शुरू से इमरान खान को कहता था कि इस तरह करें और इस तरह करें। लेकिन नाजिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये अलाइंस बन रहा है और वो अल्ताफ हुसैन जिनको इमरान खान गद्दार करार देते थे वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट अलाइंस में इमरान खान के राइट हैंड हो गए, बल्कि अलीमा खातून अल्ताफ हुसैन को कहती हैं कि आप इसकी क्यादत करें क्योंकि आप बैरून मुल्क है तो आपका कोई दबाव नहीं है। मुझे याद है वो दिन भी जब इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन के बारे में ये कहा करते थे और फिर वो बक्से भरकर ले गए थे, इमरान खान लंदन ले गए थे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा करने, मुकदमा तो नहीं हो सका था लेकिन वो उन्हें गद्दार करार दिलवाना चाहते थे। तो उसके बाद भी ये मामला लाजिम इस तरह के अलाइंस में उनका आना, तो मेरा तबसा उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन सियासी हवालों से मैं ये जानता हूँ और मैं अक्सर ये कहता हूँ जिन सियासतदानों से मुलाकात होती है उनको भी कहता हूँ कि आपको अपने अरफात में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि पीछे मुड़ कर आना मुश्किल हो, और किस मुंह से आप पीछे आते हैं, एक जानिब आप किसी को गद्दार करार देते हैं और फिर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। ये नाजिर में बड़ा इम्पोर्टेंट होता था, मैंने कहा पहले इसके ऊपर बात करते थे क्योंकि दीगर मामला भी हैं, मिसाल के तौर पर जो खतों की कहानी है उस पर भी मामला आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहा है महकमा डाक भी तहकीकात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जिस कहानी सामने आने के बाद पीटीआई जो है वो बैठी हुई है, जोड़ कर मुसलसल मीटिंग हो रही है, अभी भी कमेटी का इजलास हो रहा है इस वक्त जब मैं ये बिलोंग कर रहा हूँ, उसमें हुकूमत के खिलाफ एक बात जो तारीख चलानी है उसको मौसम कैसे बनाना है, अलायंस को कैसे वसी करना है, इस पर बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट को कैसे दबाव में लाना है इस पर बात हो रही है। इसी में लगे आता हूँ ये भी तस्का कर रहे हैं कि पीटीआई के एक रहनुमा ने अभी आपसे कुछ देर पहले मेरे दोस्त से बात करते हुए कहा है कि शेर अफजल बर्वत को तो पार्टी से फारिग कर दिया गया है, अमली तौर पर फारिग कर दिया गया है, वह मैंने इस्तीफा लेना जरा उसकी बात शरायत है तो इस्तीफा नहीं दिया जा सकता लेकिन शेर अफजल बर्वत को पार्टी से फारिग समझा जाए। इसके साथ साथ नाजिम एक और भी बात है कि पीटीआई से जुड़े बैठी है इमरान खान मीटिंगें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की और फिर अली अमीन गंडापुर को भेजते हैं। इतना ही है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में ये जो कहानी चल रही है कोर कमांडर हाउस में उनकी पार्टी की मीटिंग हुई है कोर कमेटी की या केपी हुकूमत की,
वो इतना दुरुस्त है, कोई उसकी तब्दील नहीं आई है। जाहिद खान साहब ने, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, एएनपी के जाहिद खान है, हमारे दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त हैं, यहाँ रावलपिंडी में भी रहते हैं वो मस्जिद में, उन्होंने भी वजाहत मांगी थी, ये वजाहत की जाए एक जानब आप खिलाफ हैं। तो इन तमाम मामला में नाजिर उन्होंने वजाहत तो नहीं दी, लेकिन ये जो पता चला कि अली अमीन गंडापुर वहाँ गए, अपने साथियों को भी ले गए, उनको ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने मुकम्मल ताउन का ऐलान किया और यकीन दिलाया कि वो मुकम्मल ताउन करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें जो फौजी क्यादत थी वहाँ, उन्होंने उनको बताया कि सूबे की सूरत हाल क्या है। अली अमीन गंडापुर के ने कुछ गुफ्तगू रिपोर्टेड भी की, उसका जवाब उनको प्रोफेशनल अंदाज में दिया गया कि हम अपने आइन के पाबंद हैं और आइन और कानून की रूह से जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं अमन अमान के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, वो पूरी करेंगे। सियासी मामला आप जाने और हुकूमत जाने, हमारा सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी जवाब दिया गया कि आपको अवाम ने मुंतखब किया है, अवाम ही आपका को अगर हटाएंगे तो हटाएंगे, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं, हम आपको वो ताउन फराहम करेंगे बतौर सूबाई हुकूमत जो कानून में और आइन में हमें जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो तफवीज किया गया वो किरदार हम अदा करते रहेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने रिपोर्टेडली ये भी कहा है कि हमारी तो मजबूरी है इमरान खान के साथ खड़े होना, क्योंकि वो पॉपुलर आदमी है और उन्हीं की पॉपुलैरिटी की वजह से जो है वो हमें वोट मिलता है। बहरहाल कहानी क्या है ये तो खुले की बात में, लेकिन उस मीटिंग के बाद भी अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलकर गए हैं, और अगर इमरान खान साहब ने उनको ना भेजा होता तो कम से कम शटअप कॉल तो जरूर दी होती उनकी, खुद से पंजाबी में कहते हैं छठ परेड की होती, झाड़पट्टी उर्दू में कहते हैं वो की होती। लेकिन बहरहाल अब इसी तनाजुर में नाजिम पीटीआई की एक और हिकमत अमली भी है, और कोर कमेटी का जो इजलास जारी है उसमें देर और भी है मामला कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को कैसे रोका जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तो रोक लिया, अदालती अहकाम भी हवा में उड़ा दिए गए, लेकिन मैंने आज इस हवाले से कुछ लोगों से पूछा, आईनी और कानूनी माहरीन जो है सेनेट के अंदर, उनका ये कहना था कि कोई आईनी पाबंदी नहीं है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वोट कि कुछ सीटें खाली हैं तो इलेक्शन नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है क्योंकि चारों सूबों के नुमाइंदगान मुकम्मल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के आधे नुमाइंदगान मौजूद हैं, आधे नहीं है, यानी 11 नुमाइंदगान नहीं है, बाकी नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है। इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, और इतलात यह है कि 9 अप्रैल को इजलास बुलाया जा रहा है, तो 9 अप्रैल को गलबन चेयरमैन हल चुकाने के साथ साथ नए चेयरमैन का इलेक्शन भी कर दिया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार नामजद हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हो सकता है वो अपोज्ड आ जाए, लेकिन उसके हवाले से कुछ और चीजें हैं जो कल की नशिस्त में हम आपके सामने रखेंगे। जो मैंने फिर किसी से पूछा कि ये 11 वोट इंतखाबी नतीजे पर असरअंदाज हो तो फिर क्या हो सकता है, उनका ये कहना था कि ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये तो हुकूमत का काम है, लेकिन ये कैलकुलेशन हो रही है कि ये जो 11 नशिस्तें हैं खाली उनमें अपोजिशन के पास कितनी होगी और पीटीआई बैक्ड आजाद उम्मीदवारों के पास कितनी होगी, उसके बाद ये तय हो जाएगा। और अगर ये नतायज पर असरअंदाज होने वाला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं कराया जाएगा, इनके मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कराया जाएगा। लेकिन उनका यही कहना था कि नतायज पर यह असरअंदाज नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो फिर इक्का दुक्का चीफ मिनिस्टर जो हुआ करती है वो सब देखी जाएगी। तहम ये उनकी ये जरूर देखा जा रहा है कि कितनी नशिस्तें पीटीआई बैक्ड उम्मीदवारों को मिलेंगी और कितनी हुकूमत को मिलेंगी, और इस वक्त हुकूमत के पास 53 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा निकाल कर, और JUI ने इलेक्शन हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान में लड़ा है, हो सकता है चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो इलेक्शन इनको वोट करें। अब देखते हैं कि इस मामले पर क्या होता है, JUI के साथ पीपल्स पार्टी की मुलाकात होगी तो फिर बात होगा, पीपल्स पार्टी ने 5 रुकनी कमेटी बना रखी है, अब देखते हैं क्या होता है इस पर। नाजिर अब तक के लिए मेरा मुझे इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही है, कुछ और भी डेवलपमेंट हुई तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। खुदा हाफिज़।